वेलकम टू द वीडियो। और अभी अपन बात करेंगे थोड़ा प्रीसेट्स के बारे में। वीडियो को पूरा देखना यार, सिर्फ प्रीसेट लेके जाने की मत सोचना, बिकॉज आई नो लेके चल भी दोगे तो आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको आता नहीं, बट मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छे टिप्स दूंगा जिससे आपको शायद प्रीसेट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सो वीडियो को पूरा देखना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब आप एक प्रीसेट को डाउनलोड करते हैं, आपने उसको इंपोर्ट कर लिया लाइटरूम पे, देन आप उसकी सेटिंग्स को कॉपी करते हैं और अपने फ़ोटो में पेस्ट करते हैं। बट आप पेस्ट करने के बाद जैसे आप रिजल्ट को देखते हैं, आप वहीं पे जज कर लेते हैं कि एक प्रीसेट कैसा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, बिकॉज एक प्रीसेट है वो एक अलग फ़ोटो के अकॉर्डिंग बनता है, जो हम बनाते हैं वो अलग फ़ोटो के अकॉर्डिंग बनता है। तो आपको उसके लिए अपनी फ़ोटो को सेम आपकी फ़ोटो हमारी जैसी हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो फर्स्ट थिंग, जब आपने प्रीसेट लगाया तो आपको क्या करना है, वो ये है कि आप सबसे पहले जाएं उसकी वाले सेक्शन पे जहाँ पे शार्पनेस वगैरह रहती है, शार्पनेस नहीं, क्लैरिटी और टेक्सचर रहता है। आप क्लैरिटी को अपने फ़ोटो के हिसाब से सेट करिए, तो ऑटोमेटिक कलर्स का जो करेक्शन है वो हो जाता है क्लैरिटी से एंड टेक्सचर से। क्लैरिटी और टेक्सचर आपकी बिल्कुल हेल्प कर देंगे कि आप प्रीसेट पे क्या देखना चाहते हो वो कलर। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लैरिटी वाला, कि आपको क्लैरिटी सेट करनी है। देन आपका सेकंड पॉइंट जो आता है वो आएगा कर्व। सो कर्व में क्या करना रहता है भाई, ये आप चेक करिए कि वो कर्व किन किन कलर्स पे बना है और RGB वाला का कर्व किस तरह से बना है। मैंने आपको बताया है बहुत सारी वीडियो में, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरह से आपका कर्व होगा, ये यहाँ पे ऐसा बनता है आपका कर्व कुछ इस तरह से, है ना। तो इसमें हमारा जो नीचे का पार्ट रहता है, यहाँ पे जो चार बॉक्स बनते हैं वो शेडोज रहते हैं, एंड ऊपर के जो चार बॉक्स रहते हैं वो हाइलाइट्स रहते हैं। तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि वो जो नीचे जो सबसे यहाँ पे का पॉइंट रहता है वो ऊपर है कि नीचे है। तो फिर आप ये नीचे वाले पॉइंट जो रहेगी उससे आप शुरुआत करें। तो आप नीचे वाले पॉइंट को जब आप, अगर वो ऊपर होगा तो उसे नीचे ला के देखें, क्योंकि ऊपर जब जाता है तो ऑल नो कि वो मूडी टाइप का हो जाता है, थोड़ा लेस कॉन्ट्रास्टी। तो आपकी फ़ोटो में अगर ऑलरेडी लेस कॉन्ट्रास्ट होगा तो वो फिर से और कॉन्ट्रास्ट को नीचे करते, मतलब वो कम करेगा, तो ऑफकोर्स वो बेकार दिखेगा। तो आपको वो चीज़ को पहले सही करनी पड़ेगी। सो आप कर्व पे जाएंगे और कर्व को थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को इधर उधर करके देख ले, बिल्कुल आपकी करेक्शन वहाँ पर हो जाएगी। देन कलर्स वाले कर्व को भी देख ले कि ज़्यादा कुछ कलर्स वाले को ज़्यादा कुछ आपको छेड़ना नहीं है, बस आप देख ले कि वो है कि नहीं कलर्स वाले कर्व में, हुआ है कि नहीं कुछ सेटिंग, और कुछ लगे तो आप थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। मैंने बताया नीचे के पॉइंट शेडोज, ऊपर के पॉइंट हाईलाइट। अगर आप प्रीसेट लेना चाह रहे तो इतना आपको नॉलेज तो होना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपकी, उस वहाँ पे आप बात आती है एक्सपोजर हाईलाइट्स वगैरह की, ठीक है। HSL तो आपको ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वही तो आपको प्रीसेट देता है। देन आपको एक्सपोजर वाले पार्ट पे जाना, एक्सपोजर देख लें फ़ोटो के अकॉर्डिंग, हाईलाइट्स को देख लें बड़ा और कम करके। ये कोई एकदम बड़ी बात नहीं है करना, बहुत छोटी बात है, एकदम ईजिली आप कर सकते हो। सो बस ये तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्लैरिटी, कर्व एंड देन अपना एक्सपोजर वाले सेटिंग का। और अगर आप कुछ देखना चाहते हो, आप शार्पनेस को देख लें, ग्रेन्स को देख लें, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भरपूर यूज़ करना है तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये तीन, अगर आपको सिर्फ प्रीसेट का यूज़ करना है। अब अगर आपको उस प्रीसेट में एडिशनल अपना कुछ डालना है, आप चाहें तो अपने तरफ से कुछ अच्छा बना सकते हैं उस प्रीसेट को। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको सेलेक्टिव टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो सेलेक्टिव टूल्स लाइटरूम के प्रीमियम वर्जन पे रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और सेलेक्टिव टूल्स पे जाएंगे, फिर आपको सीखना पड़ेगा सेलेक्टिव टूल। तो अभी वीडियो को पूरा देखो यार, मैं पहले बता रहा हूँ, सेलेक्टिव टूल बहुत मस्ट चीज़ है। तो सेलेक्टिव टूल में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक ड्रॉ वाला, एक सर्कल वाला एंड एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है आप उससे विनेट इफेक्ट, जो ब्लैक ब्लैक रहता है और जो थोड़ी क्लैरिटी आती है नीचे, तो आप एक नीचे से ग्रेडियंट बनाएं, एक ऊपर से बनाएं। देन वहाँ पे आप स्लाइडर्स को बाकी कलर अपने हिसाब से देख लें। अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा वीडियो ले आऊँगा सेलेक्टिव टूल के ऊपर ही, तो बाकी आप बताना कमेंट करके चाहिए तो। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक टिप है ये, जो भी प्रीसेट का मेरे यूज़ करेंगे वहाँ पे आप सेलेक्टिव टूल को ज़रूर यूज़ करें, बहुत ऑसम रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द
वीडियो रिसेट का पासवर्ड बता मत ना, पासवर्ड नहीं बताया, आप अभी तक पासवर्ड ही ढूंढ रहे होगे। तो पासवर्ड में बता देता हूँ आप 1157।